दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंस्टाग्राम टाइम स्पेंड फीचर के बारे में। काफ़ी लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं कि इंस्टा में टाइम स्पेंड क्या होता है, कैसे इसे यूज़ करते हैं। जिन लोगों को पता है उनको ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, वो तो पहले ही कट कर दें यहीं से। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जहाँ उसके लिए मैं अपना इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन कर लेता हूँ। इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं जाऊँगा अपने प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे नीचे प्रोफाइल होती है, यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। प्रोफाइल पे आने के बाद राइट साइड ऊपर जो तीन लाइनें होती हैं, यहाँ पे इस पे क्लिक करते हैं तो काफ़ी सारे ऑप्शन आपके सामने आ जाते हैं। जहाँ तीसरे नंबर पर है, चौथे नंबर पर योर एक्टिविटी, योर एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे और यहाँ चलते हैं थोड़ा नीचे। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है टाइम स्पेंड, इस पर क्लिक करके सबसे पहला ऑप्शन जहाँ पे है, आप चेक कर सकते हैं कि डेली आप कितना इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं। यहाँ पे मेरी डेली एवरेज यहाँ पे शो हो रही है, सिर्फ एक मिनट। और ये देखिए नीचे संडे मंडे पूरे वीक के डेज यहाँ पे बताए गए हैं, किस दिन आपने कितना चलाया। यहाँ ये बने हुए हैं ग्राफ, इस पर क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हैं। 5 मिनट संडे वाले दिन मैंने 5 मिनट चूज़ किया। तो जहाँ से आप जान सकते हैं कि इंस्टा आपने कितना चलाया। और यहाँ नीचे भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, ये जो सेट रिमाइंडर वाला है, इस पर क्लिक करके आप रिमाइंडर सेट कर सकते हैं, 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट का। उसके बाद रिमाइंडर आपको बता देगा कि इतना टाइम हो चुका है, अब आप बंद कर दो, ठीक है। अगर आप ज़्यादा इंस्टाग्राम नहीं चलाना चाहते, यूज़ नहीं करना चाहते, तो रिमाइंडर सेट कर लीजिए। और यहाँ दूसरे नंबर पे है सेट डेली लिमिट, इस पर क्लिक करके डेली लिमिट सेट कर सकते हैं जितनी चाहो। और तीसरे नंबर पर ऑप्शन है नोटिफिकेशन सेटिंग, इस पर क्लिक करके यहाँ आप कोई नोटिफिकेशन वगैरह ऑफ करना चाहो कर सकते हैं, क्योंकि हमें नोटिफिकेशन मिलता है तो हम इंस्टाग्राम को ओपन करते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम कम यूज़ करना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन यहाँ से आप ऑफ कर सकते हैं। तो यही काम होता है टाइम स्पेंड फीचर का, मेरे हिसाब से आपको पता चल गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक एंड शेयर जरूर करें।